हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस समय की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना को लेकर सरकार के आर्थिक पैकेज पर सवाल उठाए हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार का आर्थिक पैकेज खोखला है। सोनिया ने यह भी कहा कि सरकार ने जीडीपी का सिर्फ 1% आर्थिक पैकेज के तौर पर ऐलान किया है। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी, हमसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या अपडेट इस खबर पर, सोनिया गांधी का बड़ा हमला आर्थिक पैकेज को लेकर? जी हाँ बिल्कुल, और एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, इसमें तमाम पार्टी के नेताओं को आमंत्रित किया गया था शोभना। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कोरोना वायरस कुछ इस तरह से केंद्र सरकार ने डील किया है उसको लेकर के मिसेस गांधी ने करारा हमला बोला है प्रधानमंत्री का नाम लेकर के। साथ ही पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं और चीन के साथ जो सीमा पर विवाद हो रहा है, इन तीन मुद्दों पर प्रधानमंत्री को घेरा है और मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाया है। कोरोना वायरस को लेकर के आरोप लगाया है कि उसकी वजह से जो आर्थिक संकट आई है उसमें लोगों तक सीधा पैसा पहुंचाने की उनके हाथ में जरूरत थी, लेकिन ऐसा न करके एक आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया सरकार की तरफ से जिसका कोई औचित्य नहीं बनता, और उन्होंने आरोप लगाया कि इसका कोई रिजल्ट भी देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक उसी तरह सीमा विवाद को लेकर के भी प्रधानमंत्री को घेरा है और ये भी आरोप लगाया कोरोना वायरस के मामले में शोभना कि प्रधानमंत्री ने सारा का सारा अधिकार, माफ कीजिएगा, अपने हाथ में केंद्रित कर लिया है, राज्यों को यूं ही छोड़ दिया। और सोनिया गांधी का बड़ा आरोप है कि आपने राज्यों पर मामले को छोड़ दिया है टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए, लेकिन उन्हें पर्याप्त धनराशि मुहैया नहीं कराई है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर के कांग्रेस कार्य समिति की बैठक अभी शुरू हुई है और सोनिया गांधी का संबोधन चल रहा है जिसमें इन तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री और मोदी सरकार को घेरने की सोनिया गांधी ने कोशिश की है।